नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है मसाला फिश फ्राई, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें मैं हाफ टी स्पून धनिया, हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। तीखेपन के लिए यहाँ पर मैं काली मिर्च और लाल सूखी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, जिससे कि इसमें अच्छा सा एक तीखापन का फ्लेवर आए। और एक टीस्पून में यहाँ पर जीरा ऐड करूँगी, एक टीस्पून। उसे हमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट मॉइस्चर को थोड़ा सा हम इससे दूर करेंगे। और थोड़ा अच्छे से फ्राई इसलिए करेंगे जिससे कि ये मसाला पीसते समय अच्छे पाउडर हो जाए, ये बिल्कुल दरदरा ना पीसे, अच्छे से ये पाउडर हो जाए। यहाँ पर चार लाल सूखी मिर्च मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। आप अपने हिसाब से तीखापन कितना ज़्यादा पसंद करते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। इसे फ्राई करके हम मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक पाउडर बना लेंगे। अब चलिए इसका एक मिश्रण तैयार करेंगे। मैंने एक बोल लिया है, उसमें मैं चार फिश का ये जो मिश्रण है मैं बना रही हूँ, आपको क्वांटिटी में बता रही हूँ। यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून बेसन जो है वो मैं यहाँ पर लूँगी। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून बेसन लिए हैं। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर तंदूरी मसाला का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही एक बढ़िया सा फ्लेवर देगा आपको फिश में। और बिल्कुल थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, आप अपने अनुसार थोड़ा सा नमक यूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने नमक का मात्रा नहीं बताया है। और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी। और जो मसाला हमने पीस के रखा है, फ्राई करके रख के जो हमने पीसा हुआ है, वो मसाला मैं यहाँ पर पूरा ऐड कर लूँगी। करके अब मुझे इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, करीबन 1 टीस्पून नींबू का रस, थोड़ा सा खटासपन के लिए देके अब मैं इसको अच्छे तरीके से पानी के सहारे मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा गाढ़ा मिक्स करना है, बहुत पतला मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो बैटर जो है वो फिश में नहीं लगेगा और वो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। और जब फ्राई करेंगे हम फिश को, उसके ऊपर कोई भी बैटर नहीं रहने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में, इसलिए बैटर को हमें थोड़ा सा गाढ़ा रखना होगा। देखिए इस कंटेंसी में आप इसे इस्तेमाल करिएगा, इतना गाढ़ा हमको रखना है। अब हम इसमें फिश, जो जितने फिश के पीसेस हैं वो हम इसमें मैरिनेट करने के बाद आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेट किए हुए इसी तरीके से ढक के रख दीजिएगा, जिससे कि इसके अंदर, फिश के अंदर जो ये मसालों का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। जब हम फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया सा आएगा। इसे हम अच्छे तरीके से मैरिनेट करके ढक के फिर हम आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, आधे घंटे बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। हाफ एन आवर हो चुके हैं, आधे घंटे बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं है तो आप रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब मैं जितने भी फिश है वो धीरे धीरे करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा तेल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए हैं, मैंने बहुत कम तेल में मुझे इसे फ्राई करना है। डीप फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो ये बैटर जो है वो अच्छे तरीके से फिश के ऊपर लगे नहीं रहेंगे, इसलिए हमने इसको थोड़े कम तेल में इसको फ्राई करना है। ये देखिए एक तरफा फ्राई हो चुका है, मैंने इसको दूसरे तरफ भी फ्राई होने के लिए रखा है। इसे हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप इसे किसी भी सॉस के साथ खा सकते हो, टोमेटो सॉस या फिर हरी चटनी के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाइए और खाइए और मज़ा लीजिए। आज के लिए बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।